कुछ साल पहले आपने और मैंने एक कॉन्वर्सेशन की IIT दिल्ली में, और वहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी में पॉलिटिकल फिलॉसफी में और पॉलिटिकल पर्सनालिटी में क्या अंतर है, और आपने कहा प्रधानमंत्री एक रिस्क टेकर है, ही हैज़ अ बिग एपेटाइट फॉर रिस्क, और राहुल गांधी एक स्टेटस कोइस्ट है और उनको लगता है कि ये जो अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल हालात है वो कंजर्वेटिव कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से हराई जा सकती है, एंड दैट वाज योर बिगेस्ट डिसएग्रीमेंट विद हिम इन दीज राउंड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन. Has that remained the biggest disagreement? Is it with Mr. Gandhi believing in a kind of political philosophy जो आपको लगता है कि आज की political माहौल में उसका कोई relevance नहीं है? नहीं, देखिए disagreement मुझे नहीं लगता है कि इन बातों पे इस बार रही है. जो disagreement था वो basically the kind of measures which we agreed to do and that we jointly agreed that this what is needed. Conventional and unconventional put together required a very big leap of faith. और वो leap of faith हो कैसे हो सकता है जब आप एक दूसरे को एकदम fully trust नहीं करते हैं. तो बातचीत इसलिए नहीं complete हो पाई या इसलिए logical conclusion पे नहीं पहुंच पाई क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं within Congress some elements they were not willing to trust me, not on what I was suggesting, not trust me as a person. Yeah. और वो मेरे साथ भी है कि I do not necessarily trust the Congress rank and file, the hierarchy with what they say and what they would allow me to do.